हेलो फ्रेंड्स, मार्शल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ये सनशाइन की P3005 30 वोल्ट 5 एम्पियर की डिजिटल कन्वर्टर DC पावर सप्लाई है। इसके बारे में बताएंगे कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है, M1, M2, M3, M4 ये क्या है, OVP क्या है, OCP क्या है, CC, CV, आउटपुट ये कैसे आप इस्तेमाल करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे, तो आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। अगर ये DC मशीन आपको पसंद आती है तो आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक होगा, वहाँ क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। M1, M2, M3, M5 इसमें आप अलग अलग वोल्टेज सेट करके अलग अलग वोल्टेज को रख सकते हैं। जैसे हमने M1 पर 20 वोल्ट 3 एम्पियर सेट कर रखा है। अगर आपको मोबाइल है, कीपैड का मोबाइल है, उसे ऑन करना है तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, ये वोल्टेज है। यहाँ आपको एक बार क्लिक करना होता है, ये लेफ्ट राइट है, ये आपको लेफ्ट राइट करना होता है। जैसे दबाया, ये आ गया, यहाँ आप 3 वोल्ट और यहाँ साइड में करोगे, ये कम ज़्यादा आप कर सकते हो। यहाँ आप 0 कीजिए, 0, 3, तीन वोल्ट, मतलब 3.9 वोल्ट आपने यहां रख दिया। थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही बिलिंग करना बंद हो जाता है, जिसे पता चलता है कि ये अब सेट हो गया, मतलब ये सेव ऑटोमेटिक मशीन है, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अब नीचे हमें करना है तो एक बार दबाएंगे, फिर दूसरी बार दबाएंगे इसी को तो नीचे आ जाएगा। हमें एक एम्पियर करना है तो एक एम्पियर सेट हो गया, ये हो गया सेव। तो हमारा अब M1 पर 3.9 वोल्ट और एक एम्पियर सेट हो गया। इससे आप कीपैड के सेटों को ऑन कर सकते हो। अब M2 पर आइए, M2 पर देखिए 4.2 और 2 एम्पियर हमने सेट कर रखा है। सेट करने का तरीका वही है जैसे मैंने आपको बताया, इसको दबाना है एक बार, या ऊपर आ जाएगा, ये लेफ्ट राइट के लिए है। आप जो जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी वोल्टेज रखिए, इसे दोबारा दबाओगे तो नीचे आ जाएगा। यहाँ आप एम्पियर वगैरह सेट कर सकते हो। थोड़ी देर बाद ये अपना सेट हो जाएगा। M3 पर आओगे, ये प्राइमरी शॉर्ट किलर हमने बना रखा है 3.25 एम्पियर का। यहाँ भी वही है तरीका, आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। फोर्थ में आपका ये आ गया 1.5 वोल्ट 5 एम्पियर हमने सेट कर रखा है। अच्छा, अब बाकी जो है, यहाँ M5 है, M5 पर जाने के लिए आप फोर्थ तो दबाओगे एक बार, जैसे ऑन करते हो, ऑन करते ही हल्का सा घुमा दो, ये 5 पर आ जाता है, 5 पर आ जाता है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, फोर को दबाना एक बार और फिर ऑन करना है और हल्का सा इसे घुमा दो तो ये 5 पर आ जाता है। तो यहाँ भी आप एडजस्ट कर सकते हो, M1, M2, M3, M4, M5 को एडजस्ट कर सकते हो। जब आपको आउटपुट चाहिए, जैसे मुझे अब ये एंड्रॉयड का फ़ोन ऑन करना है कोई, तो आप केबल ये वाली लगा जो इसके साथ आती है वो लगाएं, या ये मैकेनिक की iBoot AD Max है, इसे आप लगाएं और जो भी मोबाइल के कनेक्टर है वो उसमें एडजस्ट करके फिर आपको ये दबाना है ऑन, आउटपुट फिर आएगी। आउटपुट जाने लगे फिर आप मोबाइल को ऑन करके देख सकते हैं, ये आउटपुट का। अब आउटपुट बंद करनी है तो ये बंद हो गया, अब यहाँ से आउटपुट बंद हो जाती है। इसी तरह से सारी सप्लाई है, जो भी सप्लाई आप करना चाहो ये दबाओगे
मोबाइल में केबल कनेक्ट करें और कनेक्ट करने के बाद आप ऑन करें, जब ये आउटपुट ये निकलेगी यहाँ से, दोबारा दबाएंगे आउटपुट बंद हो जाएगी। अच्छा, एंड्रॉयड फ़ोन को जब भी आप ऑन करें तो आप ये DC इसको दबा दें, ये DC और ये OVP जो है ना, ये आप दबा करके ही, ये देखो दोनों लाइट जल गई हैं, दोनों दबा करके ही ऑन करें। उससे ये होता है कि अगर शॉर्ट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो ये कट कर देता है, ये वोल्टेज अपने ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ये सेव रहती है मशीन और वोल्टेज वहाँ ट्रिप हो जाती है। लॉक करने के बारे में और मैं बता देता हूँ, जैसे ये आपने सेट किया और आप चाहते हो कोई छेड़े ना, और अगर छेड़े तो कोई फर्क ना पड़े, तो उसके लिए ये लॉक होता है। यहाँ आप दबाओगे, बीप दिया तो ये लॉक हो गया, अब किसी भी बटन से कोई काम नहीं होगा, कोई वर्क नहीं करेगा। दोबारा आप दबाओगे इसे तो ये हट गया, ठीक है। तो ये लॉक का सिस्टम होता है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारा बता दिया, ये ऑन ऑफ का है, बंद कर दिया, ये ऑन कर दिया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कुछ पूछना है इसके बारे में तो कमेंट करके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।